हेलो पार्टी, वेलकम टू नंबर व्लॉग एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज कोई इतना कोई मजे का काम हुआ है ना, जो कि आज तक आपको कभी व्लॉग में देखने को नहीं मिला होगा। हुआ क्या है, अभी मैं इस वक्त अहराम की हालत में हूँ। यहाँ ये देखें, हज्जी है अहराम की हालत में, और अहराम बांध के हम घर पे क्यों हैं साधु, और हम अहराम की हालत में हैं और घर में क्यों हैं, उमरा करने क्यों नहीं गए। असल में सीन ये हुआ है कि हमारी जो है वो उमरा के लिए जाने के लिए, मक्का जाने के लिए ट्रेन बुक थी, और वो ट्रेन जो है जब हम पहुँचे, बिल्कुल हम लेट नहीं हुए, हम ट्रेन के लिए जब प्लेटफॉर्म की जाने वाली एलिवेटर पे पहुँचे, वहाँ एक आदमी खड़ा हुआ था, उसने बोला ट्रेन तो चली गई। तो ट्रेन चली गई, हम तो टाइम पे वहीं थे, ट्रेन जरा चल पड़ी असल, तो हमारी ट्रेन छूट गई, निकल गई हमारी ट्रेन, और अब हम अहराम की ही हालत में हैं। वापस घर आ गए हैं, अगली ट्रेन बुक कर ली है, अब अगली ट्रेन के लिए जब तक हमें जाना है, जब तक हम ये हाजियों की तरह अहराम में कैलूले कर रहे हैं, जगह जगह लेट लेट के, ये करने का कोई काम नहीं है अहराम की हालत में। अभी तो क्या करें, हर चीज़ से ऐसा लग रहा है इससे दम तो नहीं हो जाएगा, बस चाय बना ली, वो पी ली, और मैंने अपने अबाई के बटन टांग लिए, दो तीन टूटे हुए थे, रिलैक्स लेट के। रमजान मुबारक के उमरा के वो व्लॉग है, और यहाँ से शुरू हो चुका है, शुरुआत इसकी इस एडवेंचर से हुई है। हाँ भाई, किसकी वजह से ट्रेन छूटी है? हमारी बेटा, आपकी वजह से सबसे देर से ऊपर से अहराम बांध के आए थे आप। मैंने कहा तो 7:15 बजे घर से निकलना है, और जब मैं 7:15 बजे नीचे आया था, आप यहाँ पे खड़ी हुई चाय पीनी थी बड़े आराम से 7:25 पे आप फिर उसके बाद नखले पड़ के बाहर। फिर आपने क्या बोला था? मैंने बोला था की चल लो, हमारे अब्बू की ट्रेन थोड़ी जो इतनी हमारे लिए रुक जाएगी। बेटा अभी जो ट्रेन हुई है ना, उसमें सबकी सीटें अलग अलग है बिल्कुल, तो इससे इसमें क्या तकलीफ है? और अम्मी को किस कोच में बिठा के फिर आपकी सीट किसी और कोच में हुई हो? नहीं, वो मैंने दो सीटें साथ रखी। अच्छा, बेहतर, बहुत बहुत अच्छे, ये अपनी मर्जी का सब कुछ कैसे कर लेते हो? दो सीटें साथ में नहीं, बाकी सिर्फ 5 सीटें बाकी नहीं 12 बजे वाली ट्रेन में, हमारी तो चुक ली। हाँ तो पार्टियों, फाइनली हम आ चुके हैं अपना ट्रेन स्टेशन, और इतनी जल्दी आ गए कि 1 घंटा पहले आ चुके हैं। अब हम स्टेशन पे जो है ज़रा डेन्यूब वेन्यूब घूमते, आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है स्टेशन पे, और ट्रेन भी दिखाएंगे और ट्रेन का सफ़र भी दिखाएंगे। और मज़े की बात यह है कि हम सब अलग अलग किसी कोच में तो मज़ा आने वाला है। मेरे साथ हैं मान भाई। पार्टी हो, हमारी ट्रेन आने वाली है, और हम प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ट्रेन का वेट कर रहे हैं। उसके बाद जो है मैं अकेले मस्त फल्ला करते हुए जाने वाली हूँ। मेरी कोच में मेरी फैमिली से और कोई भी नहीं है बड़ा मज़ा आने वाला है मुझे बोल रही है ये टॉमियो वाला सलूक क्यों किया मेरे साथ? मैंने कहा भाई आखिरी 5 सीटें थी, ऐसे ही होता है भाई, दो लोग एक कोच में और मैं अकेली एक कोच में। तुम्हारे साथ फिर किसी एक को करा देते हैं हम नहीं सही है, मैं अकेली बिंदास, अभी सबको पता ही क्या है मेरे बारे में। मैं ट्रेन में अपने कोच में, कोच नंबर 10, और मान और अम्मी 12 में, और भाभी और उनकी बहन जो है वो कोच नंबर 8 में है। ट्रेन चल पड़ी है। मैंने ना सबको बोला था मैं सबकी कोच में आ के सबको तंग कर दूँ, अब मैं भाभी लोगों के पास जा रही हूँ उनकी कोच में। भाई बहुत मज़ा आता है ट्रेन में। Excuse me.
वो लोगों को हाय बोल दिया। अब मैं जा रही हूँ वन के पास। ये मेरा कोच है जिसमें से मैं गुजर रही हूँ। सब लोग देख रहे हैं कौन पागल औरत है वो ट्रेन में घूम रही है। ये देखो पार्टियों मक्का की रौनक है रमजान की। हम बस अभी अभी टैक्सी से गाड़ी से उतरे अपनी और अब हरम की तरफ जा रहे हैं। ये मैं अपनी इलेक्ट्रिक कार में बैठ चुकी हूँ। अब चलते हैं उमरा शुरू करते हैं पार्टी है। उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे उमरा डन करके। बीच में अगर मौका मिला तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। भाई ये हमारी गाड़ियों के आगे कोई घूटा हो गया है, रश में फंस गए सब। अभी तक तवाफ शुरू नहीं हुआ है, अभी तवाफ मताफ की तरफ जा रहे हैं, उधर से तवाफ शुरू होगा इंशाल्लाह। तवाफ का पहला चक्कर माशाल्लाह मेरा शुरू हो चुका है और मान अम्मी के साथ है, उनको तवाफ करा रहे हैं। वो बता इसी उसमें है, इसी फ्लोर पर है, लेकिन आगे पीछे हैं हम लोग और बड़े ही मज़े का तवाफ हो रहा है। अगर आप लोगों को भी इस तरह से इलेक्ट्रिक कार्ट में आके तवाफ़ करने का है इरादा तो आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही सुकून से इस रश में बहुत ही एनर्जी के साथ और बहुत सुकून से तवाफ़ और सही अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। वो मशक्क़त वो तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ती। कर सकते हैं आप पैरों से तो करें बेशक, लेकिन हम क्योंकि अम्मी के साथ आए हैं यहाँ पे तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों भी उस बजाय हम अलग अलग भटके रश में जाके तो साथ में सवा तवाफ कर लें। ये देखें काबे का मंजर, तवाफ करते हैं। रोज़ा कंप्लीट हो चुका है पार्टी और मान भी अपने व्लॉग का पीछे एंड दे रहे हैं और ये हम घर से कीमे की दम के कीमे की सैंडविच बाबू ने बना के दी थी वो लेकर आए थे हम साथ में। अब हम इसकी सैरी करेंगे और बस क्लॉक टावर में भी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ 5:45 बजे और 5 बजे रोज़ा बंद करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे फजर की फिर घर चलेंगे। सब कीमे की सैंडविच है। हाँ भाई उमरा ख़त्म हो चुका है हमारा और घर की तरफ के लिए निकल चुके। अब जो है हाँ भाई वन मज़ा आया, बहुत मजा आया बहुत और माशाल्लाह मबरूक आपके हरम में 50,000 सब्सक्राइबर हो गए माशाल्लाह। भाई मान के 50,000 सब्सक्राइबर हो गए और सब जाके मान के कमेंट सेक्शन में भर दो जरा मबरूक मबरूक कॉन्ग्रेचुलेशन 50K लिख दो जरा। ठीक है ये था उमरा रमजान का व्लॉग, मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। पीछे है हरम की सारी रौनक, सिरे फ्रेश है और हाजी है मक्का में। ये देख ला हद नज़र हाजी।